नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और क्या आलोक मेहता आरजेडी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आरजेडी के अंदर संगठन का चुनाव होना है और आरजेडी के अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर आरजेडी के नेतृत्व में बदलाव हो सकता है। प्रदेश स्तर पर आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन का होना तो तकरीबन तय माना जा रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि जगदानंद सिंह अब दूसरे टर्म के लिए तैयार नहीं है। जगदानंद सिंह की दिलचस्पी प्रदेश अध्यक्ष के दूसरे टर्म को लेकर नहीं है। हालांकि इससे पहले जब रामचंद्र पूर्वे थे तो वो प्रदेश अध्यक्ष एक बार के बाद दूसरी बार भी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया, लेकिन जगदानंद सिंह इसके लिए तैयार नहीं है। जगदानंद सिंह की दिलचस्पी इसको लेकर नहीं है और जो जानकारी मिली है, जो खबरें आ रही हैं, जगदानंद सिंह इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव के कहने पर वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहे। कारण क्या थे ये बताने की जरूरत नहीं। तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच का विवाद और बयान सब लोगों को मालूम है। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी है कि राजद का जो सदस्यता अभियान है उसको 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 15 जुलाई तक उसको विस्तार दे दिया गया है और 30 जून तक पहले ये सदस्यता अभियान चलाया जाना था, लेकिन पार्टी ने इसे 15 दिनों का विस्तार दे दिया है। 15 जुलाई के बाद आरजेडी का संगठनात्मक चुनाव होना है और सबसे पहले बूथ स्तर और पंचायत स्तर के चुनाव होंगे और इसके बाद प्रखंड और जिला स्तर होते हुए राज्य कार्यकारिणी तक का चयन होगा। सितंबर महीने में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा, सितंबर महीने में पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और अक्टूबर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। देखना दिलचस्प होगा कि अगली बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही होंगे या फिर तेजस्वी यादव को अब पार्टी की कमान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सौंप देंगे। जो अंदर खाने से खबर है वो खबर यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद में तेजस्वी यादव के सबसे करीबी खासम खास आलोक मेहता रेस में सबसे आगे हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर है कि लालू यादव इस बार तेजस्वी यादव को ये जिम्मेवारी दे सकते हैं। आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। देखना होगा क्या होता है। जो खबर आ रही है वो हमने आपको बताया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। सिटी पोस्ट को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए।